आइए अब हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट भाई, हमारे पास में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है उसी कंडीशन से रिलेटेड, वो ये है। ये हमें एक बड़ी बॉडी दी गई है और इस बॉडी का नाम है ए। यहाँ पर हमें एक छोटी बॉडी दी गई है, इसका नाम है बी। और यहाँ पर हम लोगों को सबसे छोटी बॉडी दी गई है, इसका नाम है सी। हमारे पास में तीन बॉडीज हैं बच्चों, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। ए वाली बॉडी का जो मास हम लोगों को दिया है वो है 5 किलोग्राम, बी वाली बॉडी का जो मास हम लोगों को दिया है वो है 3 किलोग्राम, और सी वाली बॉडी का मास जो हम लोगों को दिया है वो है 2 किलोग्राम। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ से तीनों बॉडीज आपस में अटैच हैं, बॉडी ए और बॉडी बी का जो कांटेक्ट हो रहा है ना बच्चों वो यहाँ हो रहा है, बॉडी बी और बॉडी सी का जो कांटेक्ट हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। ये तीनों बॉडीज आपस में जुड़ी हुई हैं। इन तीनों बॉडीज को पुल किया जा रहा है बच्चों 100 न्यूटन के फोर्स के साथ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इन बॉडीज को पुल किया जा रहा है, पुल आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं ना, इन बॉडीज को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी इन बॉडीज को पुल कर रहे हैं हम लोग 100 न्यूटन के साथ। हमें ये बताना है कि इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना काम करेगा, बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना काम करेगा, बॉडी बी और बॉडी सी के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना काम करेगा, ये हम लोगों को बच्चों बताना है। आइए देखते हैं कि कैसे हम कांटेक्ट फोर्स बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो बच्चों कि बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में कांटेक्ट यहाँ हो रहा है, एक एरो काम करेगा इधर और एक एरो काम करेगा इधर। इस फोर्स को मैंने नाम दिया है F1 और यहाँ इस फोर्स को भी मैंने नाम दिया है F1। एक एरो काम कर रहा है बच्चों इधर और एक एरो काम कर रहा है इधर, दोनों को मैंने नाम दिया है स्टूडेंट F1। अब यहाँ आते हैं, एक एरो काम करेगा इधर और एक एरो काम करेगा इधर, इसे हम लोगों ने नाम दिया है F2, यानी बी और सी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है उसका नाम तो है बच्चों F2। ए और बी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है उसका नाम है बच्चों हमारा F1। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें कांटेक्ट फोर्स निकालना है। सबसे पहली बात स्टूडेंट यह है कि बताइए फोर्स किधर काम कर रहा है। भैया फोर्स काम कर रहा है इधर, अगर फोर्स इधर काम कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। एक्सीलरेशन, फोर्स इधर काम कर रहा है, एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी, फोर्स कितना है 100, फोर्स कितना है 100, टोटल मास कितना है हमारे पास में 5 और 3 8 और 2 10, यानी टोटल मास है हमारे पास में 10। कैंसिल आउट करेंगे एक्सीलरेशन निकल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ बच्चों ने 10 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा यूनिट का बच्चों आप लोग ध्यान रखा करें। एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल कर आई है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, और वैल्यू बन गई है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ रही बात? ओके अब आप ये देखो बच्चों कि हमें F2 की वैल्यू बतानी है जो इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, और हम लोगों को F1 की वैल्यू बतानी है जो इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। ओके चलिए देखते हैं कि वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम सी वाले ब्लॉक को उठाते हैं। अब आप देखो सी वाले ब्लॉक को उठाओ, सबसे पहले आप सी वाले ब्लॉक को देखो, सी वाले ब्लॉक का मास है 2 किलोग्राम। ओके और इस सी ब्लॉक पर ध्यान से, इस सी वाले ब्लॉक पर जिसका मास 2 किलोग्राम है, आगे की तरफ काम कर रहा है 100 न्यूटन। ये जो 100 न्यूटन काम कर रहा है ना, ये सी वाले ब्लॉक पर आगे की तरफ काम कर रहा है। सी ब्लॉक पर पीछे की तरफ कितना काम कर रहा है, देखो ये एरो आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी, दो एरो काम कर रहे हैं, एक एरो काम कर रहा है इधर और एक एरो काम कर रहा है इधर। ये वाला एरो बॉडी से दूर जाते हुए है, तो हमें इन दोनों में से भी वो एरो लेना है जो सी से दूर जाते हुए होगा। अब ये वाला एरो तो सी की तरफ आते हुए है और ये वाला एरो सी से दूर जाते हुए है, तो ये एरो हम लोगों ने बच्चों ले लिया है। इस एरो का नाम है स्टूडेंट F2। बॉडी जा रही है आगे की तरफ और बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी वाली बॉडी पर
आगे की तरफ काम कर रहा है 100 न्यूटन, पीछे की तरफ काम कर रहा है F2, बॉडी जा रही है आगे की तरफ और बॉडी का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। भाई आप ये देखो बच्चों कि बॉडी जा रही है आगे, समझ में आ रही बात, और हमें क्या करना है, बॉडी अगर इधर जा रही है तो इस फोर्स में से इस फोर्स को माइनस करना है, 100 माइनस के F2, मास है 2, एक्सिलरेशन की वैल्यू है 10, F2 की वैल्यू हमारी निकल गई है स्टूडेंट 80 न्यूटन। देखिए F2 हमारा निकल चुका है 80 न्यूटन, जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो F2 हमारा निकल चुका है 80 न्यूटन, यानी इन दोनों बॉडीज के बीच में जो कॉन्टेक्ट फोर्स काम कर रहा है ना बच्चों, वो हमारा 80 न्यूटन काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। इन दोनों के बीच में 80 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि F1 की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको F1 निकालना है बच्चों, F1 क्या है, F1 है इन दोनों के बीच में काम करने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स। इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट फोर्स काम करेगा वो हमारा F1 है, ध्यान से बात को सुनिएगा। अब अगर F1 निकालना है तो क्या, तो आप A वाली बॉडी को पकड़ लीजिए या B वाली बॉडी को पकड़ लीजिए, जो भी आपको पसंद आए, उस बॉडी को A को पकड़ेंगे तब भी वही आंसर आएगा, B को पकड़ेंगे तब भी वही आंसर आएगा। अब मान लीजिए कि हम B के अकॉर्डिंग आंसर निकालते हैं, मैंने B वाली बॉडी को यहाँ लिखा बच्चों, ये मेरी B वाली बॉडी है, इसका मास है 3 किलोग्राम। अब आपको B वाली बॉडी से वो एरो लेने हैं जो B वाली बॉडी से दूर जाएंगे बच्चों, वो एरो आप लोगों को लेने हैं स्टूडेंट जो B वाली बॉडी से दूर जाएंगे। अब आप देखो ये B वाली बॉडी है, हम लोगों ने C वाली बॉडी के लिए F2 का ये वाला एरो लिया था, B वाली बॉडी से दूर जाने वाला एरो ये है, यानी B वाली बॉडी से जो आगे की तरफ काम कर रहा है वो F2 काम कर रहा है बच्चों, B वाली बॉडी से आगे की तरफ काम कर रहा है F2, समझ आ रही बात, और B वाली बॉडी से जो पीछे की तरफ काम कर रहा है, देखो हम लोगों को वो एरो लेने होते हैं बच्चों जो बॉडी से दूर जाते हैं, इधर बॉडी से दूर जा रहा है F2, इधर B वाली बॉडी से दूर जा रहा है ये, इसका नाम है F1, यानी पीछे की तरफ काम कर रहा है स्टूडेंट F1, और ये बॉडी जा रही है आगे और इसका जो एक्सिलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व, इस पर आगे की तरफ तो काम कर रहा है F2, पीछे की तरफ काम कर रहा है F1 और बॉडी जा रही है आगे, तो हम एक काम करेंगे स्टूडेंट F2 में से F1 को माइनस करेंगे और मास की मल्टीप्लाई एक्सिलरेशन से करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास में कुछ ऐसा बनेगा F2 माइनस के F1, मास की वैल्यू है 3 और एक्सिलरेशन की वैल्यू है 10। सो F2 इज इक्वल टू F1 प्लस के 30। F1 की वैल्यू मैं पहले से ही निकाल चुका हूं और F1 की वैल्यू है मेरे पास में, F2 निकाला है, F2 की वैल्यू है 80। यहां पुट करेंगे 80 इज इक्वल टू F1 प्लस 30, सो F1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। लो भैया B वाली बॉडी और A वाली बॉडी के बीच में जो कॉन्टेक्ट फोर्स काम करेगा F1, उसकी वैल्यू तो है 50 न्यूटन, और B वाली बॉडी और C वाली बॉडी के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू है हमारे पास में 80 न्यूटन। यहाँ जो कॉन्टेक्ट फोर्स काम करेगा वो 80 न्यूटन है और यहाँ जो कॉन्टेक्ट फोर्स काम करेगा वो हमारे पास में 50 न्यूटन है। हम बिल्कुल इसके जैसे ही एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बच्चों, बस इतना ध्यान रखिएगा अगर ये 100 न्यूटन वाला फोर्स जो तीनों बॉडीज को आगे की तरफ लेकर जा रहा है, इसका एरो अगर बाहर की तरफ है ना बच्चों, इसका एरो अगर बॉडी से दूर जाते हुए है, तो हर एक बॉडीज के लिए इन तीनों में से हर एक बॉडी जिस पर आप इक्वेशन लगाएंगे, आप वो एरो लेंगे जो बॉडी से दूर जाएंगे। अगर ये एरो बॉडी से दूर जा रहा है तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो दूर जाते हुए ही एरो आप लोगों को लेने हैं स्टूडेंट। मैं एक